अक्सर सभी बीमारियां कही जाती हैं कि कब्ज से शुरू होती हैं, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसके बाद कब्ज रहे ही ना? ये जो आते जो भगवान ने बनाई है, ये कितना बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है। आज हम उसके काम में बाधा डालते हैं, इसीलिए फिर पेट हमारा अच्छी तरह से साफ नहीं होता। कि हमारी आंतें आपसे ज्यादा परेशान है अपने आप को मतलब साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए। कि कॉन्स्टिपेशन जब भी हो जाए कि मैं रोज नियमित जो है मैं दवा खाता रहूं, चूर्ण खा के पेट साफ करूं, या मैं फलाने फाइबर युक्त मैं खाना फाइबर युक्त बहुत सारे जो आजकल कई सामान आ रहे वो खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं ठीक होंगे। कब्ज का मूल कारण आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कब्ज परमानेंटली ठीक होगी। करीब 45 साल से सिर्फ मुझे 10 सेकंड लगते हैं मोशन करने के लिए। पर नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हैं वरिष्ठ प्राकृतिक चिकित्सक डॉक्टर NK शर्मा से। डॉक्टर शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। सबको मेरा भी बहुत बहुत नमस्कार सबको भी। डॉक्टर शर्मा, अक्सर सभी बीमारियां कही जाती हैं कि कब्ज से शुरू होती हैं, तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि उसके बाद कब्ज रहे ही ना? वंदना जी, हर व्यक्ति को ये समझना बहुत जरूरी है कि भगवान ने हमारा जो शरीर बनाया है वो बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है। हमारी हर एक अंग हमारा, चाहे वो आंतें भी हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की जिम्मेदार होती है, तो वो भी बढ़िया मोशन पास करने के लिए ही डिजाइंड है। और वो इतनी हद तक कोशिश करती है कि आदमी कम से कम फाइबर खाता है, कितना भी घटिया खाना खाता है, भारी खाना खाता है जो पेट में जाकर ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करता है, मैदा खाता है, तला हुआ खाता है, उसके बावजूद भी जो है ना पेट उसका रोज किसी न किसी रूप में साफ होता है। तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि ये जो आंतें जो भगवान ने बनाई है ये कितना बढ़िया काम करने के लिए डिजाइंड है। तो आज हम उसके काम में बाधा डालते हैं, इसीलिए फिर पेट हमारा अच्छी तरह से साफ नहीं होता। तो अगर किसी व्यक्ति को अपने कब्ज से परमानेंटली छुटकारा पाना है तो सबसे पहले दिमाग में ये अच्छी तरह रख लें कि हमारी आंतें आपसे ज्यादा परेशान है अपने आप को मतलब साफ करने के लिए या क्लीन करने के लिए। और दूसरी बात, आपके कोई भी प्रकार की अगर आप उसकी दवाओं से उसको हंटर मारकर आप सोचते हो कि मैं मोशन लेकर आऊंगा, तो ये ध्यान में रख लेना कि जहां वो पहले ही उसकी एनर्जी बहुत लो हो गई थी, आप हंटर जब मारते हो तो अगर उसके पास 100 ग्राम एनर्जी बची है तो और 10 ग्राम कम होती है। और जितना आप दवाई खा खा कर, चाहे वो कई तरह के चूर्ण है, कई तरह के लेक्सिटिव्स हैं, आप जब भी खाते हैं तो आप अपने उसको उसके अंदर ड्राइनेस और ज्यादा आप पैदा करने लग जाते हैं। और आप जबरदस्ती, जैसे कहते हैं ना, हंटर मारकर आप मोशन लाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखिएगा कि कॉन्स्टिपेशन जब भी हो जाए तो ठीक है भाई, परेशान हो रहे थे तो एक दो दिन दवा खा ली, चूर्ण खा लिया, कोई बात नहीं, वो इतना टॉलरेबल है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि मैं रोज नियमित जो है मैं दवा खाता रहूं, चूर्ण खा के पेट साफ करूं, या मैं फलाने फाइबर युक्त मैं खाना फाइबर युक्त बहुत सारे जो आजकल कई सामान आ रहे वो खाऊंगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा, नहीं ठीक होंगे। कब्ज का मूल कारण आपको ठीक करना पड़ेगा, तब जाकर आपकी कब्ज परमानेंटली ठीक होगी। दोस्तों, इसके पहले कि मैं आगे बढ़ूं और आपको कब्ज के क्या कारण है और क्या आपको उसका निवारण इस्तेमाल करना चाहिए मैं बताऊं, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस नियम को आज मैं बताने जा रहा हूं, करीब आज 45 साल से, अभी मैं 72 ईयर्स में हूं, करीब 45 साल से सिर्फ मुझे 10 सेकंड लगते हैं मोशन करने के लिए। पर
यानी कि हम सुबह जब घूमने जाते हैं तो मेरी पत्नी जब जूता निकालकर फीता बांधती है तब तक हम बाहर आ जाते हैं। यूं समझ लें कि आप जब तक हाथ धोते हो ना अपना साबुन से, उतनी देर में तो हम वापस आ जाते हैं। तो कितना फास्ट, यानी कि पेशाब करने को एक बार 50, 60, 70, 80 सेकेंड लग सकते हैं, लेकिन स्टूल पास करने को 10, 15 सेकेंड बस। तो फिर आप कहेंगे भाई साहब ऐसे कैसे हो सकता है, तो इसका सिंपल सा रीजन बता रहा हूं कि उसका सबसे पहला कारण है हंगरलेस ईटिंग। आप जब तक भूख से खाना नहीं सीखोगे आपका कब्ज कभी जाने वाला ही नहीं है। ये आपको बड़ी अजीब सी बात तो लगेगी कि कब्ज का भूख के साथ बहुत बड़ा लेन देन है। जिस दिन आपने सचमुच रियल भूख से खाना शुरू कर दिया तो आपका उसी दिन से आपका कब्ज जो है आपका समाप्त होना शुरू हो जाएगा। अगर आपने भूख से खाना नहीं सीखा और आप साइकोलॉजिकल और टाइमली ईटर बने हुए हैं तब तो आपका कब्ज परमानेंटली मेंटेन रहेगा और आप दवा खाते रहोगे। तो इसीलिए अब भूख जो है उसको समझना जरूरी है कि आपकी भूख किसको कहे। देखिए जब भूख लगे ना तो आपके अंदर कोई लक्षण नहीं होने चाहिए, सिम्टम नहीं होने चाहिए। सच्ची भूख तो उसको कहते हैं, और लगे तो लगातार लगी रहती है। ऐसा नहीं कि साहब मेरे 2, 3, 4 बज गए जी, अब मेरी भूख मर गई जी। सच्ची भूख कभी नहीं मरती, ध्यान में रखिएगा। तो हाँ, झूठी भूख जो होती है वो क्या होती है, गैस्ट्रिक भूख होती है, जिसमें आपको सिम्टम्स होते हैं, सर दर्द होता है, चक्कर आता है, खो पड़ती है, ना खाओ तो एकदम कमजोरी सी लगती है, ये झूठी भूख है। तो ये झूठी भूख से आप खाना खाते रहोगे ना तो आपकी कब्ज बनी रहेगी और ये झूठी भूख को समाप्त करना जरूरी है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि आप जो हैवी मसालेदार खाना खाते हैं, ये बीच बीच में खाते रहते हैं, बहुत ज्यादा चाय कॉफी पीते रहते हैं, तो उसके कारण जो है आपका पेट ओवर स्ट्रेंड होकर एसिड सीक्रेशन कर रहा होता है। तो आप हैवी खाना कम कर दें कुछ दिनों तक, फल सलाद की मात्रा खूब बढ़ा दें, थोड़ी एक्सरसाइज कर दें, तो आपकी ये झूठी भूख धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। फिर आपको सच्ची भूख लगेगी, और फिर सच्ची जब भूख लगे, अब वो दिन में एक बार लगे कि 2 दिन में एक बार लगे, भैया शरीर की भाषा तो माननी पड़ेगी, आप अपना नहीं चला सकते इस मामले में। तो इसीलिए आपको एक बार लगे, 2 बार लगे, 3 बार लगे, आपकी मर्जी, आपकी बॉडी जाने। तो आपने जिस दिन अगर भूख से खाना सीख लिया तो कम से कम जो भी खाया पचेगा तो सही ना, और पच गया तो शरीर का तो नियम है भाई, अगर कोई पच के ऊपर से माल आया तो नीचे निकाल कर फेंक नहीं है उसको, तो 100% फेंकेगा। तो तुम्हें तो अपनी भूख की केयर करनी चाहिए, पहला नियम। और दूसरा नियम क्या है कि आपके खाने में अगर आप जो चीजें पेट में जाकर आपको कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करती है उसमें, देखिए अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो आप अच्छी तरह जानते हैं सबके नॉनवेज जो है, जितनी भी नॉन वेजिटेरियन फूड है, मीट, अंडे, मछली जो भी है, वो सब फाइबरलेस फूड है। और ये भी आप लोगों ने कभी शायद पढ़ा ही होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा जहां नॉनवेज खाया जाता है वहां पे इंटेस्टाइनल कैंसर और कई तरह के कैंसर आंतों के जो है वहां पर ज्यादा मिलते हैं। और आंतों में जाकर हमारा जो नॉनवेज है वो हमेशा सड़ता है, क्योंकि उसको शेर और कुत्ते बिल्ली जैसे कि 3 फीट की आंतों से जल्दी मीट निकल जाता है, लेकिन हमारे पेट में 33 फीट की आंतों में उसको बहुत देर तक रुकना पड़ता है, इसलिए हमारे पेट में फिर सड़न पैदा होती है। उसके कारण फाइबरलेस होने के कारण वो जल्दी नहीं निकलता, तो आंखों में सूजन आने की संभावना बढ़ जाती है। तो पहली बात, फाइबरलेस जो फूड है, जैसे जितने भी एनिमल प्रोटीन्स होते हैं, एनिमल प्रोटीन में क्या क्या है, नॉनवेज के साथ साथ जितने डेयरी प्रोडक्ट भी हैं, अगर आप बहुत ज्यादा दूध लेते हैं, ज्यादा लस्सी पीते हैं, दही खाते हैं, पनीर खाते हैं, तो ये सब जो एनिमल प्रोटीन्स होते हैं ना, ये सब आंतों में जाकर ये थोड़ा ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। तो इसीलिए आप कोशिश करें कि अगर आपको कॉन्स्टिपेशन तोड़ना है तो ये फाइबरलेस जो फूड है वो थोड़ा आप कुछ दिनों के लिए बंद कर दें। और साथ ही फाइबरलेस फूड क्या है, मैदा। अब मैदा क्या है, जितनी बेकरी प्रोडक्ट्स आप खा रहे हैं वो तो सब फाइबरलेस है, तो कम से कम आप जैसे ब्रेड, बिस्किट, पिज्जा, बर्गर, पास्ता, ये सब मैगी वगैरह जो भी जैसे घरों में आते हैं, तो आप पहला काम तो ये करें कि अपना घर का आटा जो मोटा पिसवाएं, और दलिया है, खिचड़ी है, ब्राउन राइस है, ये जितनी भी जो अनाज आप खाते हैं, जो जहां जहां पर जैसे जैसा अनाज है, तो
तो आप उसको होल सम खाएं। अच्छा, अब यहाँ पे एक और बात क्या है कि अगर खाली अनाज ही खाते रहोगे तो फिर पेट अच्छी तरह साफ नहीं होगा, तो उसके लिए चाहिए हमें फल और सलाद और अंगूरित दालें, और इनका इनका जो फाइबर होता है वो बॉडी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो इसलिए मेरा मानना क्या है कि लोग क्यों इस सब गोल खाते हैं मुझे समझ में नहीं आता, जब फल सलाद से भगवान इतने अच्छे फाइबर दे रहा है। तो आप खूब अच्छी मात्रा में फल खाएं, आप मतलब अलग से एज ए सेपरेट मील, और जब खाना खाएं तो हमेशा ध्यान में रखें कि सलाद खाए बिना कभी भी खाना मत खाइए। एक बॉवल भर के सलाद, ऐसे नहीं कि दो तीन टुकड़े खा लिए उसको सलाद नहीं कहते, तो कम से कम एक बॉवल भर के सलाद खाकर बाद में ही आप जो है रोटी चावल दाल जो भी आप खाते हैं इडली डोसा वो खा लीजिए आप इस तरह से। तो उससे क्या होगा, आपकी बॉडी को सही फाइबर मिलेगा, और आप भूख से खा रहे हैं तो आपके पेट में जो है कोई सड़न नहीं होगी तो सूजन नहीं होगी, इरिटेशन नहीं होगी। तो सिर्फ कॉन्स्टिपेशन की बात नहीं है, कोलाइटिस नहीं होगी, आईबीएस नहीं होगा, आपके बहुत सारे जो अल्सर्स नहीं होंगे, आपके और भी जो इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम है वो सब नहीं होंगे, अगर आपने इतनी सिंपल सी बात समझ ली। तो अब आपको समझना क्या है कि भूख से खाना है, और आपको फल सलाद ज्यादा जोड़ना है, और जो पेट को ब्लॉक करते हैं वो है एनिमल प्रोटीन्स, नॉनवेज और डेयरी प्रोडक्ट्स, साथ में मैदा और तला हुआ क्योंकि बहुत देर तक पेट में टिकता है इसीलिए उसके कारण कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ पे समझने की बात क्या मालूम है, लोग क्या समझते हैं कि जब वो नए नए इस प्रोग्राम पे आएंगे तो वो समझते हैं कि बस सुबह उठते ही मुझे 7 बजे मोशन आ जाना चाहिए, आज मैंने लेक्चर सुन लिया और मैंने 2 दिन से फॉलो कर लिया, मेरा मोशन ठीक हो जाए। नहीं होगा भाई, आपको अपने शरीर की भाषा के पीछे चलने की आदत होनी चाहिए। देखिए, यू शुड नॉट डिसाइड कि मोशन कब आना चाहिए, ये शरीर का काम धंधा है, तुम्हारा काम धंधा है कि शरीर मांगे तो दे दो, और फिर अगर वो पच गया तो आज अपने समय से वो डेफिनेटली बाहर आएगा। उस सुबह 7 बजे नहीं आया तो 12 बजे आएगा, 12 बजे नहीं आया तो 3-4 बजे आ जाएगा, नहीं आया तो वो रात को आ जाएगा। भैया वो अपने समय से आएगा, तुम्हारे समय से क्यों आएगा, उसके पास जितने जूसेस हैं उसी के हिसाब से तो वो आगे खिसकेगा, अगर कमजोर जूस है तो थोड़ा लेट खिसकेगा, पर खिसकेगा जरूर, ये पक्की बात है। तो इसीलिए आप वेट नहीं कर पाते और फिर आप परेशान होकर है ना, आप सोचते कि मेरा पेट साफ नहीं हो रहा, साफ नहीं हो रहा। अरे भाई, तुम अगर भूख से खाओगे तो 100% पेट में भारी ही नहीं सड़ेगा भी नहीं, क्योंकि जो खाया पचा तो है कम से कम, तो ये समझ कर चलें। और फिर भी आपको थोड़ी सी भी हाजत हो तो जाकर बाथरूम में बैठ जाएं और अपने पेट पे ठंडा पानी डाल दें, 1-2 मिनट डालते रहिए। ठंडा पानी डालने से क्या होता है कि नीचे जो हमारी गुदा और हमारी जो हमारे जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं ना, वहां पे सबसे ज्यादा नर्वस सिस्टम होता है, तो तुरंत उत्तेजित हो जाते हैं और उससे मोशन आने की संभावना बढ़ जाती है। और अगर आप इंटरलॉक कर दें, ऐसे हाथ को जोर से दबा दें, ये जो वेब्स होते हैं ना इसमें पूरा नर्वस सिस्टम का कनेक्शन होता है, आप जोर से ऐसे दबा दें तो, और जीभ को भी या दांत को जोर से भींच लें, तो उससे क्या होता है पूरा नर्वस सिस्टम जो टाइट होता है ना वो थोड़ा रिलैक्स हो जाता है इस तरह से। तो ये एक दो चीजें इस तरह से करने से भी आपको बहुत फर्क पड़ता है। और वैसे मैं एक बात बताना चाहता हूं, मेरा एक शेर है कि भूख शौच शक्ति और नींद, भूख यानी कि भूख, शौच यानी कि मोशन, स्टूल पास करना, भूख शौच शक्ति और नींद नहीं आती कभी बुलाने से, न दवाओं से न इलाजों से, न जग को पलटाने से। दोस्तों दुनिया उलट दो, आपको भूख कोई नहीं जगा सकता, वो नेचुरल है। मोशन लाने के लिए तुम उल्टे लटक जाओ, मोशन तो अपने शरीर उसको नेचुरल लाने के लिए डिजाइंड है, आप शक्ति कहीं से ला नहीं सकते, वो बॉडी में आप अनब्लॉक करोगे तो अपने आप फूटेगी एनर्जी। और नींद जो है वो तुम कितनी कोशिश कर लो आएगी, तो तुम इसे बाधाएं हटाओगे तो ही नींद आएगी। तो आपका ना, आपको शरीर को संचालन नहीं करना है, तुम्हें शरीर के बीच में जो तुमने जो बाधाएं पैदा कर दी ना कि तुम भूख से नहीं खाते हो, तुम बहुत सारे गलत कॉम्बिनेशन से खाते हो, तुम बहुत ये हाई प्रोटीन, हाई फैट, हाई मैदा, हाई प्रोसेस फूड खाते हो, इनसे थोड़ा छुटकारा पाओ। और बाकी ये तो सब जानती हैं कि जितना बॉडी को अच्छा मूवमेंट दोगे, एक्सरसाइज करोगे, योगा करोगे, प्राणायाम करोगे, तो डेफिनेटली बॉडी थोड़ी एक्टिव होगी, तो सारे ऑर्गन एक्टिव होंगे। अब ये सब कॉमन सेंस की बातें हैं। हाँ, इसमें एक चीज और भी ध्यान में रखना है, जो लोग प्रॉपर रेस्ट नहीं लेते ना, नींद अच्छी नहीं आती ना, तो पूरी बैटरी चार्ज नहीं होती।
बैटरी चार्ज नहीं होती तो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन उतने एफिशिएंटली काम नहीं कर पाते। तो नींद का भी उतना ही ख्याल रखें कि जितनी अच्छी नींद होगी उतनी जीवनी शक्ति प्रबल होगी, और जितनी जीवनी शक्ति प्रबल होगी उतने सारे ऑर्गन अपने अच्छे ढंग से काम जो है कर पाएंगे। तो इस तरह से कब्ज से हम परमानेंटली छुटकारा पा सकते हैं, अगर आपने भूख से खाना सीखा, थोड़ा कॉम्बिनेशन सिंपल रखा और होलसम यानी कि पूर्ण आहार खाया जिसमें रॉ फूड ज्यादा और अनाज की मात्रा कम। बस अगर आपने इतनी सी बात समझ ली तो जीवन भर आपको कब्ज नहीं होगा। और जो मैंने पहले बताया 10 सेकंड में मोशन होता है तो 10 सेकंड में ही होगा, मैं बता रहा हूँ। डॉक्टर शर्मा, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद वंदना जी, आपको भी और आपके D5 चैनल को भी मेरी तरफ से शुभकामना सबको। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।